ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। सो इट सेज एन एयर बबल इज फॉर्मड इनसाइड वाटर, डज इट एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके सो देखो, हमारे पास एक एयर बबल है, स्फेरिकल होगा, समथिंग लाइक दिस, एंड ये वाटर के अंदर है। चारों तरफ, इस स्फीयर के चारों तरफ हमारे पास यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, राइट। ये जो एयर बबल है बेसिकली वाटर के अंदर है। बाहर जो मीडियम है वो है वाटर, और इस एयर बबल के अंदर जो मीडियम है वो है एयर। हमें बताना है कि ये जो बबल है ये डाइवर्जिंग लेंस है या फिर कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। हम क्या करते हैं, इस तरह से पैरेलल रेज लेते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर ये जो बबल है, राइट, ये इन रेज को कन्वर्ज कर देता है, जब ये जो रेज हैं इस बबल से बाहर आएंगी, अगर कन्वर्ज होते हुए बाहर आती हैं तो ये जो बबल है ये कन्वर्जिंग लेंस है, और अगर डाइवर्ज होते हुए बाहर आती हैं तो डाइवर्जिंग लेंस है, सिंपल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रे डाइग्राम बनाएंगे एंड चेक करेंगे। आप देखो कि उसके पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल सरफेस में। कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस आप ले लो, इस तरह से मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ले ली एंड सरफेस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे मुझे क्या ड्रॉ करनी है, नॉर्मल। आप देखो पॉइंट पी पे जो स्मॉल सरफेस होगी, डिफरेंशियल सरफेस डीएस, वो इस तरह से होगी। ये क्या है, पॉइंट पी पे जो स्मॉल सरफेस है ना डीएस, राइट। अब उसका मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब देखो ये जो सरफेस है डीएस, ये बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, राइट। जो सरफेस होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, सो इट मींस उस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। अब रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, आप देखो इसका जो सेंटर होगा ना, अगर मैं सीपी को ज्वाइन कर दूं, सो क्या वही रेडियल डायरेक्शन है, जो कि परपेंडिकुलर होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन के, और सरफेस टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इट मींस जो नॉर्मल होता है वो रेडियल डायरेक्शन में, कोई भी अगर पॉइंट ले लो, रैंडम पॉइंट, लेट्स से सरफेस पे मैंने पॉइंट ले लिया पॉइंट एन, पॉइंट एन पे अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं सिंपल सी और एन को ज्वाइन कर दूंगा, वो मेरा रेडियल डायरेक्शन है और वही नॉर्मल है पॉइंट एन पे। आई थिंक यू गॉट इट, राइट। सो लेट्स से ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर है वो है ये सी, एंड ये वाला जो पॉइंट है, राइट, ये जो रे आ रही है ये पॉइंट है पॉइंट ए, और ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी। सो पॉइंट ए पे नॉर्मल ड्रॉ करो, सो बेसिकली ए सी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, सो ये आपका नॉर्मल हो गया पॉइंट ए पे। पॉइंट सी पे नॉर्मल सी बी और सी को ज्वाइन करो, सो बेसिकली ये आपका नॉर्मल हो गया, राइट। सो यू कैन सी कि नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर भी ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नाउ आप देखो कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर जा रही है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3 और अंदर एयर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1। सो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल आप इस तरह से लाइट को बेंड कर दो, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम नॉर्मल आप इस तरह से बेंड कर दो। आप देखो कि ये आपका नॉर्मल के साथ जो एंगल आएगा, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये एंगल आएगा आर, राइट। नाउ अगेन, अभी ये जो रेज है ये कम्प्लीटली बबल के बाहर नहीं आई है, एक बार और रिफ्रेक्शन होगा तब बाहर आएंगी, राइट। सो लेट्स से ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक बार और रिफ्रेक्शन हमें करना है, सो लेट्स से ये पॉइंट है डी, और यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये पॉइंट ए। सो फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, सो डी सी को ज्वाइन करोगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली सी ई को ज्वाइन करोगे तो फिर से नॉर्मल मिल जाएगा सरफेस पे। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो कि अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये नॉर्मल के साथ, ये वाला जो एंगल बनेगा वो आर के बराबर ही होगा। आर के बराबर क्यों होगा, बिकॉज ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, बिकॉज जो एसी है, एसी है और सीडी है, राइट, वो रेडियस है जो कि इक्वल होगी, सो दैट्स वाई इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, सो आर आर। अभी आप देखो कि अगर आई पे आया था सो आर पे रिफ्रेक्ट हुआ था, रिफ्रेक्शन हुआ था, तो अगर आर पे जाएगा, राइट, आर पे जाएगा तो आई से बाहर निकलेगा। सो आप देखो कि यहाँ पे आई से वो कुछ इस तरह से, और आप इस तरह से भी फील कर सकते हो कि अभी जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, राइट। सो टुवर्ड्स द
अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि R और I सेम होंगे, तब भी आप डायरेक्टली कह सकते हो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे, सो कुछ इस तरह से बेंड होगी। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लाइट आई है इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल आप जब बेंड करोगे, सो कुछ इस तरह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। सो फाइनली जब ये जो दो रेज बाहर आ रही हैं इस बबल से, सो कैसी आ रही है, डाइवर्जिंग, राइट। ये भी देखो दोनों डाइवर्ज होते हुए, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं। सो ये बबल था हमारा, ऐसे आई लाइट रेज, यहाँ पे ऐसे गई, ऐसे, और फिर और फर्दर डाइवर्ज हो गई। सो एनीवे ये जो बबल है ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और आपको ये पता भी होना चाहिए अगर हम इस तरह से बाई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, राइट, और उसके अंदर बेसिकली बाहर जो सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू एस, और लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू एल। अगर म्यू एल इज लेसर देन म्यू एस, देन ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता, राइट। बेसिकली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, अगर सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है देन ये डाइवर्जिंग लेंस है। जैसे ऊपर वाली केस में म्यू एल कितना है 1 और म्यू एस कितना है 4/3, सो ये डाइवर्जिंग लेंस होगा। एनीवे आई थिंक यू गॉट द आइडिया, कीप वर्किंग हार्ड फॉर स्टफ लाइक बाय।